अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी हॉस्टला विद अलीजे एंड जिमर। यहाँ पर आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ। तो आज है मेरा बर्थडे, फाइनली बर्थडे आ चुका है। और यहाँ पर आज हम लोगों ने ऑफ थोड़ा जल्दी ले लिया था, थैंक्स टू माई बॉस जिन्होंने मेरे बर्थडे का ख्याल रखते हुए जल्दी ऑफ दे दिया। और यहाँ पर जब हमने इन ड्राइव की, अल्लाह ताला ख्वाहिशात ऐसे भी पूरी करता है कि इन ड्राइव पे हमारी फर्स्ट टाइम गाड़ी आई किया स्पॉटेज। मतलब कि हमारी विश थी कि किया स्पॉटेज में हमने बैठना था, तो मेरी बर्थडे पे वो विश भी पूरी हो गई। आज मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई मोनाल, क्योंकि हमारा प्लान बना था मोनाल जाने का। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक थीम क्रिएट किया था। चलो सब मेरे बारे में पॉजिटिव कुछ बोलो। से वन लाइन, नहीं ओनली वन लाइन, या से समथिंग फॉर मी। अच्छा, वन लाइन फॉर अलीजे। अलीजे यू आर माय बेस्टी। थैंक यू। बोल रहे क्या बोलूँ अलीजे के लिए? स्पीचलेस। I love you, Lizzie. मौके का फ़ायदा उठा के जिमल और फातिमा भाग गई खाना खाने के लिए, और उन्होंने मेरे लिए अभी एक लाइन नहीं बोली। कोई बात नहीं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में बुलवा लूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन आने का, और बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स देने के लिए। गिफ्ट्स क्या मुझे मिले हैं उसकी अनबॉक्सिंग मैं करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम लोग मोनाल में आए थे। मोनाल का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़बरदस्त था, स्टाफ भी बहुत अच्छा था, और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी मौजें की। और ये तो हमारी रह ही गई ना, हम लोगों का जो था टेबल वो टॉप पर था, क्योंकि हमने व्यू एंजॉय करना था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये फर्स्ट फ्लोर छोड़ के हम लोग टॉप फ्लोर पर चले गए, क्योंकि हम लोगों को बस ये था कि हमने अपना व्यू एंजॉय करना है। उसके बाद जब हम अपने टेबल पर गए, साथ ही हमें वेलकम ड्रिंक्स थी जो सर्व हो गई, और उसके बाद जो था हमारे हाई टी स्टार्ट होगी। आज हम लोगों ने मोनाल में हाई टी की थी। मोनाल में हाई टी भी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पर इनकी हाई टी में तमाम चीज़ें मौजूद थी, लाइक आप देसी भी खा सकते थे, चाइनीज़ भी खा सकते थे। और यहाँ पर सब लोगों ने सबसे पहले सूप ट्राई किया, और मैंने यहाँ पर सबसे पहले सैलेड लिया। मतलब हर किसी ने अपनी विश के अकॉर्डिंग जो जो उसने खाना था वो उनने इन्जॉय किया। यहाँ पर फिश भी थी, पास्ता भी था, सब कुछ था। और उसके बाद स्टार्ट हो गए हमारे गाने, तो सोचा हमारी सुरीली आवाज़ आप लोग भी सुन लें, जो कि बहुत ही सुरीली थी। यहाँ पर हमारा गाना गाने का दिल कर रहा था, हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम गाना गा लें, लेकिन फिर हमने सोचा कि हम क्यों अपनी खूबसूरत आवाज़ सबको सुनाएं। ये सिर्फ हमारे पर्सनल चीज़ है, तो हमें अपने तक ही रखना चाहिए। तो आप भी इंजॉय करें, और माशाल्लाह बोलें। अगर आप लोगों ने हमें बर्दाश्त किया, तो यहाँ पर हमारी सुरीली आवाज़ें इतनी ज़्यादा सुरीली थी कि मुझे खुद सुन के बहुत फील हो रहा था कि आप सब कैसे सुनेंगे। लेकिन कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने भी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। और यहाँ पर शाम हो चुकी थी, तो सोचा बाहर आकर भी वीडियो कैप्चर कर लूँ। और व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब बजट फ्रेंडली हर चीज़ है। और उसके बाद स्टार्ट हुई गिफ्ट्स देने की बारी। इसके साथ थैंक यू मिस फातिमा का, मिस सोफिया का एंड मिस हीना का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे गिफ्ट्स दिए। गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। और थैंक यू सो मच आप सबका मेरी बर्थडे पे भी आने का था। यहाँ
वहाँ पर हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट था केक कटिंग का। और उसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ज़िमल, थैंक यू फातिमा, थैंक यू सोफिया एंड थैंक यू मिस हीना। और मी बर्थडे को चार चांद लगाने के लिए यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। मौसम को इंजॉय करते हुए आज मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपने भी इंजॉय किया होगा मेरी वीडियो को। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं और किसने क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं। और गिफ्ट्स मैटर नहीं करते, आपका साथ ही काफ़ी होता है, लेकिन गिफ्ट्स भी मैटर करते हैं। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। थैंक यू सबका मेरी बर्थडे में आने का, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग भी मुझे कमेंट में बर्थडे विश करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।